देखिए पेरियार साहब का आज परिचय देते हैं कि किताब सुप्रीम कोर्ट से कैसे केस जीता था। लिखा हुआ है सच्ची रामायण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सच्ची रामायण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 दिसंबर 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की अंग्रेजी पुस्तक रामायण और ट्रू रीडिंग व हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण को जब्त कर लिया गया था। यानी कि 9 दिसंबर 1969 को उत्तर प्रदेश ने ईवी रामास्वामी का किताब जो सच्ची रामायण जो लिखे हैं उनको जब्त कर लिया था। इसके प्रकाशन पर मुकदमा दर्ज कर गया था, इनका दर्ज करा दिया गया था। इनका जो प्रकाशक है वो कौन थे? हमारे उत्तर प्रदेश के लालू सिंह यादव जी, वही इसको इस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट किए थे और उनको पर FIR दर्ज सरकार ने इलाहाबाद के हाईकोर्ट में करवा दिया था। अनुवाद पर का उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मानवता संगठन अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ललित सिंह यादव थे। उन्होंने सच्ची रामायण प्रकाशन 1968 में किया था। इन्होंने सच्ची रामायण का प्रकाशन जो है 1968 में किया और 1969 में केस दर्ज हो गया था। बाद में उत्तर भारत के पेरियार नाम से चर्चित हुए। ललित सिंह यादव ने फिर उत्तर भारत के पेरियार के नाम से उनको लोगों ने चर्चित कर दिया कि ये ललित सिंह जो हैं से मैंने उत्तर भारत के पेरियार थे। ललित सिंह ने जब्ती के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दिया। वाह, क्या महापुरुष थे। इन्होंने इस जब्ती को हाईकोर्ट में जो है से एकदम चुनौती दे दिए कि हम सरकार से केस लड़ेंगे, जो कि सरकार से केस लड़ने का इन्होंने जो है से सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दर्ज किए तो वे हाईकोर्ट में मुकदमा जीत गए थे। वो हाईकोर्ट में भी मुकदमा जीत गए थे। यानी कि सफा कहना है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसमें मुकदमा जीत गए थे। सरकार ने हाईकोर्ट का निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। देखिए वाह, ये सरकार जो है जो यूपी का सरकार उस समय जो वर्तमान सरकार थी उस सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं था कि बताइए देखिए एक छोटा सा आदमी को एक छोटा सा किताब लिखने वाले को माने सब छोटे समझ करके और हाई कोर्ट का निर्णय को इन्हें ठुकरा दिया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई 3 जजों के खंडपीठ ने की। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सरकार ने जब डाला तो 3 जज मिल करके इस पर विचार कर रहे थे। खंडपीठ के अध्यक्ष जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज वो न्यायमूर्ति BR कृष्ण और 2 और थे जिनका नाम था PN भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली थे। ये 3 जज ने मिलकर इस किताब के बारे में तीनों जज बैठ करके कुछ बातचीत अपना कर रहे थे इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर 16 दिसंबर 1976 को सर्वसम्मति से फैसला देते हुए राज्य सरकार के अपील को खारिज कर दिया। वाह, हम तो ऐसे ऐसे जज को हम तो सैल्यूट करते हैं कि ऐसे ऐसे जज को जो सच के साथ खड़ा रहे और सरकार को जो मनसा था उस पर पानी फिर गया। इन्होंने तीनों जज ने मिलकर 16 दिसंबर 1976 को तीनों सहमति से, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, जबरदस्ती क्या रहता भाई, एक छोटा सा आदमी जो है से केस लड़ रहा था और उधर से सरकार लड़ रही थी। दोनों में देखिए अंतर, एक तरफ से सरकार है और एक तरफ से एक छोटा सा आदमी है। खारिज कर दिया। कोर्ट के न्यायाधीश ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को मानवता समुदाय की विकास यात्रा के साथ जोड़कर देखा और व्यक्ति एक समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में रेखांकित किया। यानी जज ने देखा कि नहीं, ये सारा जब सारा चीज ठीक है तो फिर इसको हम गलत क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने तो बहुत अच्छा फैसला लिया। यह फैसला 16 सितंबर 1976 को सर्वोच्च न्यायालय के 3 सदस्य खंडपीठ ने सुनाया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति BR कृष्ण अयर्त ने की थी और इसके 2 अन्य जज PN भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली थे। निम्नलिखित सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेजी में दिए गए फैसले को प्रासंगिक अंशों का अनुवाद किया। देखिए 16 सितंबर 1976 को इन्होंने केस जीत गए थे ललित सिंह यादव, और जीतने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट किया क्या कि हरजाना के रूप में सरकार से 300 रुपया दिवाए, हरजाना के रूप में सरकार से 300 रुपया ललित सिंह यादव को दिवाया और जो जब्ती का जो किताब जब्त हुए थे वो जब्ती का किताब भी सरकार को छोड़ना पड़ा।
और आज देखिए के पेरियार साहब की किताब हम लोग के पास है, जब चाहेंगे जब आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, कहीं मिलता भी होगा, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए और इसके बाद हम आपको आप बताएंगे। और एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि जो वहाँ के अयोध्या का जो परमहंस लंठ जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम 5 लाख के तलवार लाए हैं। और वो 5 लाख के तलवार क्यों लाए हैं, तो उनका सर काटने के लिए कि जो इसके खिलाफ बोलता है, जो धर्म को खिलाफ, अरे धर्म के खिलाफ कौन कहे बोलेगा, जो चीज़ गलत है तो गलत है। तो 5 लाख के लाए हैं, अब उनको पता नहीं है कि दौर और वो ज़माना ख़त्म हो गया, अब ये ज़माना आ गया अम्बेडकर जी का ज़माना है, वो तुलसीदास का ज़माना ख़त्म हुआ। और अभी भी यही वही बात सोच रहे हैं कि पहले जो कान में डाल दिया जाता था, शिक्षा पिघला के जुबान काट लिया जाता था, अब वही दौर सोच रहे हैं कि वही दौर होगा, लेकिन वो दौर होने वाला नहीं है, जो कि 5 लाख का तलवार इनको सिर्फ भोगते रहेंगे कुत्ता की तरह, कुछ होने जाना नहीं है। और इनको उस दिन जब ललित सिंह यादव को इन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अब क्या बिगाड़ लेंगे। उस समय ललित सिंह को अपने समाज की तरफ से उतना मान के चलिए कि समर्थन भी नहीं था। आज तो चंद्रशेखर जी बोले तो देख रहे हैं कि पूरा बिहार यूपी पूरे भारत में लोग समर्थन कर रहे हैं, तो जब आज इनका समाज जो है जब समर्थन कर रहे हैं, तो तुम उसको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तुम लंठ हो, तुम चुपचाप लंठगिरी करो, इसके अलावा तुम आप लोगों को कुछ होना जाना नहीं है। और इसमें बढ़ चल कर लोग भाग ले भी ले रहे हैं, और इस किताब को बहुत अच्छी तरह से जो नहीं सुने हैं वो कम से कम सुनिए, अपने समाज के बारे में सुनिए, अपने समाज के बारे में सोचिए।